कमरे की तरफ बढ़ा जा। कमरे की तरफ बढ़ा जा, फिर हम सारे इकट्ठे रहेंगे। मुसा ओके ओके, हाथ पकड़ो मेरा, ऐसा ना करो, हाथ पकड़ लो। ये ऐसे लग रहा है जैसे जला हुआ हो। बहुत ज्यादा, बहुत पुराना है ये। किस तरह की स्मेल है? अजीब सी चीजें बनी हुई है। जिंदगी में पहले कभी स्मेल आई है ये? सर में तरंतर आ जाएगी। मूसा आइए थोड़ा सा, आप अंदर आए, आप हाथ पकड़े थे हाथ में, मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ, थोड़ा सा आप अंदर जाएं, क्योंकि आज जिंदगी में आप वो स्मेल सूंघने जा रहे हैं जो आपने कभी पहले ना सुना। जाएं जाएं, थोड़ा सा अंदर जाएं, चले मैं आपके साथ चलता हूँ। क्या ये बिस्तर है? मेरा माइक ऑन है, ऑन हो गया, बंद होता है ऑन होता है। हाँ हाँ, मूसा मूसा क्या हो गया? मूसा 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 क्या हो रहा है? हाँ हाँ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, आराम से, आराम से, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स क्या हुआ है? क्या 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 फील हुआ? क्या है सब बहुत गंदी स्मेल थी, मैं तो मतली हो रही है। किस तरह की, आप एक्सप्लेन कर सकते हो कैमरे के सामने व्यूअर्स को कि किस तरह की स्मेल थी? हम तो बहुत सारा इस स्मेल से पाला पड़ चुका है, तो मुर्दा जानवर नहीं पड़े होते कहीं पे, तो वो उनमें से जो स्मेल आ रही है काफी दिन के पड़े में कीड़े वगैरह उसमें जो होते हैं। लेकिन इस तरह की स्मेल तो नहीं है, रिलैक्स। इस तरह की तो स्मेल, लेकिन ये वो स्मेल नहीं है, उस जैसी है बस। आप इसको एक्सप्लेन करो किस तरह की है अच्छा ये स्मेल? मुर्दे जानवरों की स्मेल तो आपने जिंदगी में पहली बार सूंघी होगी, उस टाइप की है। लेकिन ये कभी पहले सूंघी है? नहीं, ये पहले कभी सूंघी। क्योंकि मुर्दे जानवर की स्मेल आपने सूंघी होगी, ये उसी तरह की है, सेम नहीं, उससे बढ़ गया है, कुछ समझ नहीं आ रही। क्योंकि कभी इस तरह कैफियत नहीं, उल्टी की इस तरह की स्मेल सूंघी कभी नहीं हुई। क्या ऐसी है? मैं एक्सप्लेन करूँ, आप हाँ या ना में जवाब देंगे, कि जैसे स्मेल में घुसे आपका सर भारी होता है, आपका दिमाग पकड़ा जाता है, कैसी है? हाँ, ऐसे ऐसे भी हुआ है। क्या इस वक्त आपका दिमाग भारी हुआ है? मेरे आंसू आ रहे हैं। ये वो फीलिंग्स होती हैं जब हम यहाँ से इस तरह के प्रोग्रामों में, स्पेशली इस तरह के प्रोग्राम में हम आते हैं, और ये रिलैक्स मूसा रिलैक्स। ये उस तरह की स्मेल है, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि हम जब इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए ऐसी जगहों पर आते हैं तो इस स्मेल से हमें पता लग जाता है यहाँ पे क्या है। अभी तक मैंने आपको बताया नहीं कि यहाँ पे क्या है। रात को यहाँ से चीखों पुकार की आवाजें आना, रात को यहाँ पे लोगों ने पूरी पूरी बारात देखी है, कि इस घर के अंदर बारात नजर आती है, कि एक शादी हो रही है, बिल्कुल इसी तरह उसने बताया, और उस शादी के अंदर पूरे पूरे बराती शामिल हैं, ढोल की आवाज आ रही, म्यूजिक की आवाज आ रही है, सारे इकट्ठे हैं, बहुत बड़ा एक फंक्शन हो रहा है बेहतरीन किस्म का, और लोग जब करीब आते हैं अंदर आके देखते हैं कुछ नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। दिन के टाइम भी लोग यहाँ पे लाहौल वाला कुआत ले जैसे ये पढ़ लें आप लोग, क्योंकि ये इसका हिंकना स्पेशली आपको पता होगा, जब इसको कोई चीज नजर आती है तो इसकी इस तरह की आवाज निकलती है, स्पेशली गधे का इस तरह हिंकना, उसको शैतान नजर आता है जिसके वजह से हिंकता है। तो यहाँ पे बेसिकली लोग दिन को भी नहीं आते, और रात को तो सोचना ही मुश्किल है कि लोग यहाँ पे आएंगे जहाँ पे पूरी पूरी बारात नजर आती है। खाने की खुशबुएं आती हैं, बेंतहा देगें चढ़ रही हैं, सारा समा है, और जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको कुछ नहीं नजर आएगा। रात को तो किसी की जरूरत नहीं, दिन को बहुत से लोग कुछ काफी ज्यादा तादाद में इकट्ठे होकर देखने के लिए आए हैं, वीरानी ही वीरानी नजर आई है।
स्पेशली मैं आपको रजिस्टर करवा देता हूँ, मूसा जिस चीज की स्मेल से वॉमिटिंग करने लगा था, वॉमिटिंग इसकी तबीयत सर पे चढ़ी है। ये वो कमरा है जहां से खुशबू आती है, जो हमें बताया गया है। ये वो कमरा है जहां से हमेशा खुशबू आती है, देंगे इस कमरे में चढ़ती है। बिल्कुल, देंगे इस कमरे में चढ़ती है। और अगर अब आप देखें तो वहां अंदर होते ही कुछ ऐसा होता है बकौल मूसा की, ऐसी स्मेल है जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सूंगी। शायद हो इस वक्त हमें खुशबुओं की खुशबू आए, खानों की खुशबू आए। नहीं कुछ नहीं होता, हम जस्ट विजिट करेंगे, हम विजिट करके हम वापस आएंगे। आए जरा, आए मुझे स्मेल आ रही है। चलो मुसा आओ, मैं आपको एक चीज दिखाऊं। अब बाहर तो नहीं आ रही, बाहर नहीं है स्मेल। ये स्पेशली निशानी है ऐसी जगहों की जहां पे इंसान कभी भी नहीं आते। ये देख रहे हैं, अभी जिंदगी में आपने इस तरह नहीं देखा होगा। ये लाइनें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन इस तरह बाहर की तरफ निकली हुई इस चीज के अलावा तो कहीं कहीं इंसान आज तक नहीं आया, क्योंकि अगर इंसान आ जाए तो ये चीजें वो गिरा देते हैं। और ये जाला और ये अजीबो किस्म का गरीब किस्म का ये जाला ऊपर छत तक दीवारों तक ये सारी ये सारा इतना बना पड़ा है, ये जो इसका ये इस बिस्तर की समझ नहीं है। हाँ ये बिस्तर की समझ नहीं है। जहाँ तक किसी चीज की गिरने की आवाज आई है, लेकिन कैमरा हमारा फौरन पिक कर गया। आवाज आई थी किसी की, जैसे घोड़े की टापों की आवाज। घोड़ों की टापों की आवाज है। आराम से आप मेरे साथ आओ, आराम से मैं हूँ, मुसा को कवर करता हूँ। घोड़े की टापों की आवाज है। घोड़ों की टाप यहाँ से है,